जय हिंद दोस्तों, हम लोग आए हैं इस समय DRDO टेक्नीशियन की जो एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए सेंटर पर आए हुए हैं रिव्यू करने के लिए। देखिए बच्चे निकल रहे हैं, अभी जस्ट बच्चे आएंगे तो हम आप लोग को रिव्यू कराएंगे, इसका बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए बच्चे अभी आने वाले हैं, आज फिटर इलेक्ट्रीशियन का ये सब का था एग्ज़ाम्स। आपका पेपर हो गया क्या? और कैसा पेपर हुआ? पेपर सही था। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता, ट्रेड कौन सा है? फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? मैं तो पूरे अटेम्प्ट किया हूँ। मतलब सही कितना? सही लगभग मैं 100 से ऊपर किया हूँ। 100 से ऊपर। हाँ। नॉन टेक कैसा गया? नॉन टेक मतलब इतना कठिन नहीं था, इजी था। मतलब ये था और सब टोटल जो फिटर। मैथ रीजनिंग छूटा तो नहीं? नहीं नहीं, मैथ भी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और रीजनिंग के भी बहुत अच्छे। मैथ रीजनिंग सब बन जाने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे को, मतलब इजी, कोई इतना नहीं था कि कठिन की कोई कर नहीं सकता था। अच्छा, अगर पढ़ा है तो कर सकते हो। किस किस चैप्टर से थे मैथ रीजनिंग, अगर याद हो तो बताइए। मैथ जैसे इससे प्रॉफिट एंड लॉस से थे, एक क्वेश्चन एवरेज से भी था, एक सिंप्लीफिकेशन भी था। मतलब सिंपल था एकदम? हाँ, एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन भी था और एक से एक वर्गमूल से भी, वर्गमूल से भी था। हाँ। और ऐसे ही क्वेश्चन थे। अच्छा। और इससे कैसे इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश में देखो एक एनोनिम्स एनोनिम्स जिसमें आया था आपका हैंडसम का पूछा था, एनोनिम्स पूछ दिया था उसमें, तो ऐसे मतलब इंग्लिश भी था कि हो सकता था। और पैसेज पैसेज ऐसे तो नहीं रहे, इनकरेक्ट एक आया था, इनकरेक्ट करेक्ट एक स्पेलिंग आई थी इनकरेक्ट चलने के लिए। अभी रुक जाए, एक मिनट मिनट भाई जो मिल जाएगा। हाँ हेलो भाई, आपका नाम बताएंगे? आशीष कुमार। अच्छा आशीष कुमार जी। तो आपका कौन सा ट्रेड है आप बताएंगे? फिटर। फिटर ट्रेड जी। तो आप जो है टेक में और नॉन टेक जो है दिया है, तो आप टेक में बता, नॉन टेक में जीके से कुछ क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके में आया था यार, नहीं याद। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे? स्पोर्ट्स से नहीं आए थे, वो आया था अभी जो करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर का आया था वो जो अभी राहुल को क्रिकेटर को मिला है दूसरे देश का सम्मान। अच्छा, वो आया था। अच्छा अच्छा, उनको क्या नाम है वो, वहाँ से चेन्नई से थे। आगे आ जाइए, DRDO पूछने की एक क्वेश्चन बता रहे हैं। DRDO के चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे वो रैना, उनको विदेश में सम्मान मिला है, वही आया था। और हिस्ट्री वगैरह से, ज्योग्राफी से, मतलब जीके में? ज्योग्राफी से याद नहीं है। और देख लो ना, इधर को बुला लो, हम पूछते हैं। और इकोनॉमिक्स वगैरह से यदि याद हो तो बताइए। इकोनॉमिक्स से नहीं आया था। अच्छा, तो रीजनिंग वगैरह में कैसे, मतलब क्या थी? रीजनिंग में नॉर्मल ही था। आप आज बताइए, थोड़ा आगे बताइए। नॉर्मल ही था, कोई ज़्यादा वैसा नहीं था रीजनिंग में। आप लोगों ने एग्जाम दिया है स्क्वायरनेस की संख्या पूछी थी उसमें। अच्छा हाँ, स्क्वायरनेस एक रुपए की स्क्वायर। और नंबर सीरीज वगैरह से कोई क्वेश्चन? नंबर सीरीज से उसका वर्गमूल का आया था उसमें, एक तीन का क्यूब था, एक चार का क्यूब था, एक पांच का क्यूब था, इसे आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैथ की अगर जो बात की जाए तो मैथ में आपको कहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से था? आ जाइए ना, आप लोग पेपर दिए आज? आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है आपका? पिंटू। पिंटू नाम है यस सर। और आपने दिया एग्जाम? नहीं नहीं। अच्छा पिंटू, तो जो है आप कौन सा ट्रेड है? फिटर। फिटर बता रहे हैं कि निमी से बहुत सारे क्वेश्चन आए। अच्छा, जहां आप लोग से पैटर्न जितना भी था क्वेश्चन का वो टोटल निमी से था, कोई भी निमी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? टोटल निमी से था, यानी कि जो बिल्कुल डिटो डिटो जो क्वेश्चन निमी के होते वैसे वैसे उठाए। कितने क्वेश्चन उठाए होंगे निमी के? मुझे लगता है कम से कम 80 में 70 उठाए थे निमी के, 70 निमी टोटल। हाँ निमी, हाँ तो मेरा तो निमी था, तो इसीलिए मेरे क्वेश्चन खड़ा कर दीजिए साइकिल। आ जाइए आप बाबा जी। हाँ, तो यानी कि निमी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं टेक में? टोटल निमी से। कोई क्वेश्चन याद हो तो आप बता सकते हैं? हाँ, कुछ क्वेश्चन बताइए टेक से संबंधित। याद नहीं रहता एकदम, देखो कैसे मैं बताऊँ कौन सा क्वेश्चन। हाँ जी, आप नाम बताएं, क्या नाम आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार जी, आपका कौन सा ट्रेड है? फिटर था। फिटर ट्रेड है। तो आपका जो ये बेयरिंग से क्वेश्चन, रोलर बेयरिंग का पूछा था। अगर जो हम टेक की बात करें तो आप बताएंगे जरा, टेक में जैसे आपका फिटर ट्रेड है और आप भी हैं, तो अल्पतमांग वगैरह से कोई क्वेश्चन आया था? अच्छा, अल्पतमांग आउटसाइड माइक्रोमीटर का, माइक्रोमीटर के का, तो वर्नियर कैपिटल का छेनी से आया था। अच्छा, और गेज से दो तीन क्वेश्चन आए थे, और सीजर का क्लियरेंस एंगल पूछा था कि आप क्लियरेंस एंगल अगर रखते हैं, अच्छा जी, अधिक रखते हैं कम रखते, दोनों क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कम रखते हैं तो डिगिंग करेगा एआर,
फिर से वो फिसलेगा और बियरिंग से गियर हो गया, बियरिंग हो गया। ये क्वेश्चन आया था, इसमें पॉजिटिव ड्राइव पूछा था कि पॉजिटिव ड्राइव, लेकिन उसमें गियर नहीं दिया था, उसमें चैन पॉकेट का दिया। मापन उपकरण हो गया या फिर टूल से कुछ क्वेश्चन वगैरह आए हूँ? हाँ, टूल से। हाँ जी, आपने दिया है? जी सर। क्या नाम आपको बताएं? सर मेरा नाम ऋषभ तिवारी है। अच्छा ऋषभ तिवारी जी, तो आप बताएंगे कि आपको कौन सा ट्रेड है? क्या सर? ट्रेड कौन सा आपका? फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड है, तो आप जो है बताएंगे कि जैसे नॉन टेक में जो है जीके से कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जीके से आए थे, ये आपके वन विभाग से आया था। और अच्छा, मतलब डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? अच्छा जी, इस टाइप का सबसे ज्यादा हमारा फिटर थ्योरी से आया था। अच्छा थ्योरी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बताएंगे जैसे जीके में स्पोर्ट से या फिर इकोनॉमिक्स से? नो, स्पोर्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आया तो? कंप्यूटर से, जीके में कंप्यूटर से। हाँ एक आया था, जनक कौन है? अच्छा जनक कौन है, अगर कैमरा हम लोग वहाँ ले चले तो? ओके ठीक है सर, बाय। थोड़ा फास्ट। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल कैमरा हम लोग आगे ले चलते हैं। मैं आया था कि लेकिन वाईफाई गूगल ज्ञान है, टच कीजिएगा। नॉन टेक में आया था, मैं एक मैथ का क्वेश्चन था, उसमें पूछ रहा था कि तीसरी संख्या से तीसरी संख्या में एक मतलब पहली संख्या थोड़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है तो मतलब इससे इससे कितनी ज़्यादा होगी? एक 25% था, 20% था, मतलब तीसरी को मान लो, यानी कि परसेंटेज से क्वेश्चन आया, परसेंटेज से आया था। और प्रॉफिट एंड लॉस का आया था। ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन मिला आपको? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था। और ज्योमेट्री हो गया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन था। अच्छा, और सीआईएसआई से चक्रवृद्धि ब्याज? एक क्वेश्चन था सीआई से, एक क्वेश्चन था। अच्छा सीआईएसआई से पूछ रहा था कि 3/4 मतलब साधारण ब्याज है तो 10% पे उसका टाइम पूछ रहा था। अच्छा जी। और जैसे और भी चैप्टर है जैसे मैथ में देखा ट्रेड इनका फिटर नॉन टेक्निकल, अरे टेक्निकल पढ़ा रहे हैं। गियर से कोई क्वेश्चन आया था क्या? हाँ गियर से आया था। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्या ही पूछा था गियर का? क्या क्वेश्चन न्यूमेरिकल था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, हमने ट्रेड पढ़ा नहीं ना इसलिए हमको ज़्यादा वो, लेकिन गियर से क्वेश्चन थे, गियर से था, गेज से था, और ये वर्नियर कैलिपर जो जिसमें आया था डिस्काउंट। हाँ लेकिन हमने पढ़ा नहीं अभी शुरू में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आगे आपके तो लिए यही था तो हो जाएगा। मतलब काफ़ी हमने अभी हाल फिलहाल में मतलब 15-20 दिन से तैयारी किया था, मतलब पढ़ रहे थे, किताब लाया था तब, लेकिन मैं सरल क्वेश्चन आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। सेफ्टी से और मेजरिंग टूल से? हाँ मेजरिंग टूल से था, इसमें सबसे न्यूनतम मान इसे पूछ रहा था। कितना न्यूमेरिकल्स थे? न्यूमेरिकल तो वैसे नहीं था, न्यूमेरिकल नहीं था। अच्छा न्यूमेरिकल नहीं था। नहीं, समय का अभाव पड़ा क्या क्वेश्चन करने? नहीं नहीं, समय तो मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि हमको बच गया था, क्योंकि टेक हमको पढ़ा, अरे नॉन टेक हमें पढ़ा हुआ था तो 20 मिनट में निपट दिए थे, बाकी टेक तो पढ़ा नहीं था। 20 मिनट में नॉन टेक करने लगता था पढ़ने वाले लड़कों के लिए? हाँ आराम से, और कमी था, मैथ खाली 10 ही क्वेश्चन थे। हाँ, रीजनिंग का एकदम सरल सरल है, बिल्कुल मैथ भी सरल था, रीजनिंग भी सरल। हाँ, था बिल्कुल सब सरल भी सरल ही रहा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा, जिस हम तो ग्रुप डी की तैयारी करें रेलवे। हाँ, की तो बिल्कुल आराम से हुआ। ओके ओके ओके। जीएस में क्या क्वेश्चन कुछ याद हो तो बताइए। हाँ जीएस का डीआरडीओ के अध्यक्ष आए थे, समीर कामत हो गए। हाँ और उसमें क्या कहते हैं, हाँ एक आया वन सलचड़ा धनियम का आया था। अच्छा अच्छा। और एक आया था विराट कोहली, मतलब वो एक स्पोर्ट का नाम था उनका, मालदीव का वो जो कुछ पुरस्कार ऐसे कुछ करके आया। अच्छा, मतलब स्पोर्ट से भी क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया। टोटल करंट से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? करंट से हमको 2 मिले थे, एक ये डीआरडीओ के अध्यक्ष वाले, एक ये मतलब। और हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब से क्वेश्चन क्या उठाए थे क्या कोई? हिस्ट्री से हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ? नहीं इकोनॉमिक्स तो नहीं था, हिस्ट्री से मतलब यही संरक्षण अधिनियम यही मान सकते हैं। बस ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा अच्छा। हाँ 10 ही 10 तो आने थे। रीजनिंग में किस किस सब्जेक्ट से आया था? रीजनिंग में आया था वो क्या कहते हैं उत्तर पूरब वाले जो। अच्छा अच्छा, डायरेक्शन आया था, डायरेक्शन आया था, ब्लड रिलेशन आया होगा। हाँ ब्लड रिलेशन आया था एक क्वेश्चन। और इससे डाइस आया था क्या? डाइस, हाँ एक डाइस का मतलब वो था, एक ऊपर एक रख के पूछ रहा था, सरल था एकदम, गिनने का था कितने। अच्छा कारण निष्कर्ष वाला जो अपना रेलवे पूछता है वो कथन निष्कर्ष वाला नहीं था, वो नहीं थे। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? धर्मवीर यादव। अच्छा ट्रेड? फिटर। फिटर है। अच्छा अच्छा, कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ भैया। अच्छा अच्छा। नॉन टेक सब बन गया था? हाँ नॉन टेक ठीक था, मतलब कि ज़्यादा इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट टाइप का था। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक था पेपर, मतलब नॉन टेक छूटा भी एक भी नहीं ना? नहीं नॉन टेक नहीं छूटा, नॉन टेक में ठीक था, थोड़ा मशीनों से भी पूछा था। अच्छा, गियर और पूछ रहा था। अच्छा अच्छा। और थोड़ा पुल्ली उल्ली पूछा था, ये सब क्वेश्चन से बेल्ट से पूछ रहा था। अच्छा अच्छा। कोई क्वेश्चन याद हो तो अगर बता सकते हैं? क्वेश्चन जैसे माइक्रोमीटर का भी पूछा था, लिस्ट कौन पूछा था, माइक्रोमीटर का पूछा था, और आपका और आपका क्या नाम है कि स्लिप गेज से पूछा था। अच्छा अच्छा। हाँ कौन सी ग्रेड की यूज होती है वर्कशॉप में, और आपका नॉन टेक भी मतलब ठीक था पेपर कुल मिलाकर। अच्छा वन लीनियर, मतलब इसको अच्छा टेक्निकल करने में कितना समय लग सकता था? टेक्निकल अगर आपने पढ़ लो रेगुलर तो
आधा घंटा बहुत है। अच्छा आज भी आधा घंटा 35 मिनट मतलब क्वेश्चन छूट नहीं रहा था। क्वेश्चन नहीं, अगर आपकी नॉन टेक अच्छी है तो उसमें अगर आप इजी लगा। निम्मी से कितने क्वेश्चन थे? निम्मी से तो लगभग मेरे ख्याल से अगर 80 क्वेश्चन देखा जाएगा तो लगभग 50-55 क्वेश्चन तो 50-55 हुबू क्वेश्चन थे। नहीं हुबू क्या मतलब कि अगर पढ़ा हुआ है थ्योरी से उसी टाइप का क्वेश्चन। लेकिन वही क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन पूछ वही रहा। 10-15 क्वेश्चन सेम भी रहा होगा। हां कम से कम 20 क्वेश्चन तो लगभग निम्मी से सेम थे। ठीक मैं इन लोगों का, आप लोगों का कौन सा स्टेट है? नाम फिटर से, नाम अतुल कुमार है। क्या नाम है? अतुल कुमार। अतुल कुमार जी, तो आपका कौन सा ट्रेड है बताएंगे? फिटर से। फिटर ट्रेड से। तो आपने जो ये एग्ज़ाम दिया है इसमें अगर जो देखा जाए तो टेक से और नॉन टेक में सबसे पहले जीके से कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जीके से तो सब ऐसे नॉर्मल ही है, जैसे कि वो था क्या नाम डब्ल्यू टी की स्थापना कब हुई थी वो वाला आया था क्वेश्चन जीके से। अच्छा अच्छा, तो उसका शायद बस 90-95 उसका आंसर। हाँ अच्छा, और जैसे जीके में जो है इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, यहाँ से कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर से तो देखिए मेरे को शायद क्वेश्चन नहीं मिले कंप्यूटर से। अच्छा कंप्यूटर से आया होगा, क्वेश्चन था याद नहीं वैसे। फादर ऑफ कंप्यूटर, हाँ वो आया था, चार्ल्स बेबेज थे फादर ऑफ कंप्यूटर। और रीजनिंग में आप जो है कहाँ से क्वेश्चन? रीजनिंग में नंबर सीरीज, नॉर्मल क्यूब करके ट्रिक बना करके करना था। क्या नाम है साहब? निरंजन पटेल हमारा नाम है। निरंजन पटेल। आपका जी? अमर। क्वेश्चन आया था नाम बताएंगे? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार जी, हाँ बताइए आप लोग मिलकर के कि जैसे जो है रीजनिंग में किस किस टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन देखने मिले? रीजनिंग से आया था, अल्फाबेट से आया था। अच्छा अल्फाबेट हो गया। और कुछ क्वेश्चन सिंपल लेवल था या सिंपल? सिंपल सिंपल रिलेशनशिप से क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन रिलेशनशिप से आए थे क्वेश्चन। और ये जो स्क्वायर में 121 होता है वैसे मल्टीप्लेक्स में 21 के स्क्वायर में उसी से आया था एक क्वेश्चन। नंबर सीरीज हो गया 441 ऐसे हो रहा है उसका आंसर। कैसा क्वेश्चन था? नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल था, उसके ब्लड रिलेशन के बस, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं हल्के। अच्छा ये बताइए जो टेक का हुआ है आप लोग का एग्जाम, जो टेक का आप लोग का एग्जाम हुआ है, आप लोग सभी फिटर के हैं? तो ये जो निमी के जो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो है ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, क्या सही बात है ये? निमी से आ रहा है, जो पढ़ा होगा थ्योरी पढ़ा होगा। अच्छा तो देखिए आप लोग जो है निमी से ज्यादा पढ़िएगा और निमी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। रुकिए ना, और निमी जो है आपका फिटर में देखा जाए तो टॉपिक में आपको बता रहा हूँ, जैसे अल्पत मांग हो गया यहाँ से आए थे कुछ आया था अल्पत मांग, और लिस्ट काउंट जैसे इसी में आता है, और लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर पे आए थे, माइक्रोमीटर पे लिस्ट काउंट। अच्छा बियरिंग हो गया, गियर हो गया, यहाँ कोई क्वेश्चन याद हो आप लोग को तो बताएं। हैमर का था शायद बस, उसमें कुछ उसमें सबसे ज्यादा वेट के दर पे होते हैं, वेट कंट्रोल करने जो भी है उसका एक क्वेश्चन था। अच्छे से याद नहीं, गियर से आया था, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग गियर मतलब की कौन सा गियर, टॉलरेंस से भी कुछ आया था क्वेश्चन, लिमिट नहीं टॉलरेंस। हाँ जी बताएं, आप बताएं कोई क्वेश्चन याद हो आपको? एक क्वेश्चन था वर्तमान डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अच्छा जीके में वर्तमान अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के? हाँ जी आप क्वेश्चन याद हो? और माइक्रोमीटर का व्यास पूछे हुए थे। अच्छा माइक्रोमीटर का व्यास पूछा हुआ था। हाँ जी साइन बार ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर वगैरह ये नॉर्मल ही था उसमें, था वेल्डिंग वेल्डिंग से भी था। हाँ वेल्डिंग वगैरह से थे, और उसमें एक क्वेश्चन दिया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर वेल्डिंग से भी था नॉर्मल ही। अच्छा वो तो क्या है ब्लैक लैग वगैरह, ब्लैक ही होता है उसका। और मैथमेटिक्स से भी काफी क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क से हो गए वगैरह ऐसे आए थे, टंकी से आए थे अभी। हाँ टाइम एंड वर्क से नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे। आ जाओ आ जाओ, मतलब मैथ रीजनिंग ये सब। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार पटेल। दीपक कुमार जी, क्या आप कौन सा ट्रेड है आपका? फिटर। फिटर फिटर ट्रेड है। तो ये बताइए आपने फिटर का एग्जाम दिया है तो टेक में जो है कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, यानी कि फिटर से कहाँ से क्वेश्चन? टेक में फिटर में वेल्डिंग से ज्यादा देखने को मिले, और गैस से देखने को मिले, और हाँ और वर्नियर कैलिपर से देखने को मिले। अच्छा वर्नियर कैलिपर्स मिला, वर्नियर कैलिपर्स मिला। हाँ जी और वेल्डिंग से क्वेश्चन मिले। ओके ओके बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। वेल्डिंग से क्वेश्चन मिले सर। हाँ जी हाँ, और डेप्थ में क्वेश्चन जो है कि इजी आ रहा है, डेप्थ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब कह रहे हैं लोग कि जो भारत स्किल का पीडीएफ है, निमी जो वेबसाइट है वहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहा है। हाँ वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा है, निमी जहाँ वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा तो और ये बताइए, जैसे आपने एग्जाम दिया तो ऐसा तो आपको नहीं लगा ना कि टाइमिंग कम पड़ गया हो? नहीं नहीं टाइमिंग में कोई नहीं, टाइमिंग पर्याप्त है। अच्छा न्यूमेरिकल वगैरह कहाँ? नहीं न्यूमेरिकल नहीं आया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं आया। नहीं नहीं एक दो एंगल पूछ लिया था जैसे, और न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। अच्छा न्यूमेरिकल नहीं देख रहे? न्यूमेरिकल नहीं देखने को। और ये जो टाइम का अभाव नहीं पड़ा होगा? नहीं नहीं टाइम का अभाव नहीं। और जैसे ये आपने नॉन टेक में जैसे जीके हो गया, जीके वगैरह से नॉन टेक में जीके वगैरह में एक दो करंट क्वेश्चन आ जा रहा है। अच्छा करंट आ रहा है, एक दो करंट आ रहा है, और उसके बाद करंट कहाँ से रिलेट कर रहा है, मतलब ज्यादा पीछे जा रहा है? नहीं नहीं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा है, बस वर्तमान में एक दो महीने के 3 महीने के अंदर। अच्छा यानी कि लगभग जुलाई से लेकर के हमारा मान सकते हैं दिसंबर तक, यही कह सकते हैं लेटेस्ट 6 माह के अंदर ही। हाँ बिल्कुल।
और ये जो जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में कहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं आपको? रीजनिंग में अच्छा क्वेश्चन है, एक दो ब्लड रिलेशन से एक आ रहा है, एक आयु संबंधित से आ रहा है। अच्छा, कैलेंडर वगैरह से? कैलेंडर से एक क्वेश्चन आ रहा है। वेन डायग्राम से? वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आया था। नंबर सीरीज वगैरह से? हाँ, इससे नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था, वैसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, और ये जो आपका मैथ हो गया, मैथ से कहाँ से क्वेश्चन मिला था? मैथ से परसेंटेज से आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा था। अच्छा, बिल्कुल। और रेशियो से आ रहा है क्वेश्चन। ज्यादा टफ तो नहीं आ रहा? नहीं, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन। यदि आप लोग मतलब जैसे कोई बेसिक पढ़ाओ तो हो जाएगा? हाँ, बेसिक पढ़ाओ तो अच्छे क्वालिटी हो जाएगा। आप लोग बेसिक पढ़िएगा, आप लोग से बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें टेक में, तो आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो बताएं आप। टेक में? टेक में क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन तो याद हो उसके अलावा? जैसे हाँ, मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, जैसे टूल वगैरह से कोई क्वेश्चन हो, लेथ से कोई क्वेश्चन? हाँ, लेथ, जैसे लेथ मशीन का कार्य क्या होता है, लेथ मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है, इसी बेसिक इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, बहुत एक दो सिद्धांत आ जा रहे हैं कि किस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं मशीन। अच्छा अच्छा, हाइड्रोलिक से या फिर मतलब हाइड्रोलिक से क्वेश्चन है देखने को? ड्रिल वगैरह से कोई क्वेश्चन? ड्रिल से क्वेश्चन आया? अच्छा, ड्रिल से आया। हाँ, ड्रिल से क्वेश्चन आया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी और कुछ आपको मतलब कुछ बियरिंग से क्वेश्चन आ रहा था? बियरिंग से? अच्छा, बियरिंग से कुछ याद हो तो अगर जैसे? हाँ, बियरिंग की जैसे उसको माप वगैरह एक दो आ गया था, उसके बाद उसका कार्य भी, हाँ कार्य भी बताने के लिए पूछ रहे थे बियरिंग। और ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग से भी आया था क्या? ग्राइंडिंग से क्वेश्चन बना था। कोई क्वेश्चन याद है अगर ग्राइंडिंग में? याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, मतलब सिंपल क्वेश्चन? हाँ, सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बाकी ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी देखिएगा उसको, ठीक है? ओके, ऑथर भी पूछ रहा है। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर जो हमने रिव्यू करवाया आप लोगों ने देख लिया होगा, और काफ़ी अभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर हैं जो कि अभी लगे हुए लाइन में बैग वगैरह अपना ले रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, पूरा ओवरऑल देखा जाए फिटर ट्रेड का यहाँ पर एग्ज़ाम था, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के भी कैंडिडेट थे। आप लोगों ने हमारा सुबह का जो मतलब आफ्टरनून का जो रिव्यू हमने करवाया था वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, तो किस तरीके से हमने बताया था कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। बाकी यहाँ पर हमने ओवरऑल जो है रिव्यू लिया फिटर ट्रेड के बच्चों का, तो यहाँ पर यही समझ आ रहा है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निमी से पढ़िए, ठीक है? और निमी के आप पीडीएफ को बिल्कुल रट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगभग 80 क्वेश्चन में 55 से 60 क्वेश्चन आपको निमी के पीडीएफ से ही मिल जा रहा है। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें जो है नॉन टेक में, नॉन टेक में आपको बिल्कुल बेसिकली आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स से हो गया और करंट अफेयर हो गया, पिछले 6 महीने का आप करंट अफेयर वगैरह रेडी कर लीजिएगा। बाकी जो मतलब मैथ वगैरह हो गया, मैथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया और नंबर सिस्टम हो गया। आपको एडवांस वगैरह नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग जो है बेसिकली सारी चीज़ों को पढ़िएगा, आपको फॉर्मूले वगैरह जो है याद कर लीजिएगा बेसिक से, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है हमने बताया कि निमी से ज़्यादा पढ़िएगा, बाकी आप लोग अपना पूरा ओवरऑल जो है तैयारी रखिएगा, आप लोग का बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक होगा। बाकी अपना रिव्यू हम यहीं तक रखते हैं। बाकी यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो विटामिन से पूछा था, बाकी और भी हम रिव्यू करवाएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद एवरीवन। हाँ दोस्तों, देखिए आज जैसे हम लोग रिव्यू लिए थे तो उसमें क्या था कि निमी का क्वेश्चन अभी आपके पास आज का ही टाइम है, और किसी के लिए कल तक हो सकता है, तो आप क्या करें निमी के फटाफट से जितने भी क्वेश्चन हो उसको आप देख लीजिए एक बार। और हमारे चैनल जो टेक ITI डिप्लोमा रिविजन है, इस पर मैंने बहुत GS के 60 दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन दिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने विटामिन का भी क्वेश्चन करा रखा हूँ, विटामिन से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एग्जाम में पूछ रहा है। और मैंने रीजनिंग का एक मैराथन वीडियो दिया हूँ, उससे भी आप देख लीजिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे फंसे हुए, मैं जितने बच्चों का रिव्यू लिया और GS है, तो उस ऐसे अगर इसको आप करते हैं तो इसमें से आपको जरूर हुबुक क्वेश्चन मिल जाएंगे। और निमी के तो आप जरूर रट लें।